अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आप तमाम देखने वालों को वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शहतूत का शरबत, जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। शहतूत के बहुत से फ़ायदे हैं। ये मैदे और जिगर की गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। सर दर्द और जिल्द की एलर्जी के लिए बहुत मुफीद है। अगर किसी के मुंह में छाले पड़ते हैं या गले में कोई टॉन्सिल्स का इशू है तो ये इसके लिए भी बहुत ही मुफीद होता है। बलगम, खुश खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और दिमागी खुश्की से भी निजात देता है। ये व्यवस शहतूत जो है ये जिस्मानी हरारत को भी कम करता है। अगर किसी को कब्जियत का इशू है या कोई गैस का मसला है तो ये उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। डियर व्यूवर्स, इसी तरह शहतूत के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि ये खून को बढ़ाने और उसको साफ़ करने में मदद देती है। डियर व्यूवर्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ शहतूत जो कि अच्छे से पके हुए हैं। कच्चा शहतूत हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसको डाल देते हैं मशीन के जग में। डियर व्यूअर्स, शहतूत को अगर आप जूस नहीं बनाना चाहते तो आप खालिस भी इसको खा सकते हैं। शहतूत डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एक गिलास पानी और आइस क्यूब। डालने के बाद इसको कवर कर देते हैं और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं हसबे ज़रूरत। बहुत ही आसान रेसिपी है, ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाता है। डियर व्यूअर्स, जूस तैयार है। अब हम इसको छान लेते हैं। छानने के बाद हम इसमें आइस क्यूब ऐड करके इसको सर्व कर देंगे। डियर व्यूअर्स, शहतूत को आप सेव भी कर सकते हैं। इसको धूप में सुखा के आप इसको रख लें, एक साल तक आप इसको सेव कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो इसको निकाल लें, वॉश कर लें, उसके बाद आप इसका जूस बना दें या इसको खाली भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डियर व्यूअर्स, आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।